ठियोग तहसील के गांव धर्मपुर में सरकार की मिलीभगत से 84 बीघा 18 विसवा घना जंगल एक व्यक्ति के नाम किए जाने पर धर्मपुर की पूर्व प्रधान वनिता शर्मा ने हैरानी जताते हुए इसे एक बड़ा घोटाला बताया है। उनका कहना है कि धर्मपुर पंचायत में वर्ष DPFD 29 क्षेत्र का घना जंगल और बिगलैंड सीलिंग तक अब 1953 में वेस्टलैंड कैसे एक व्यक्ति के नाम हो गई, जबकि इस पंचायत के लोगों का इस जंगल में घास पत्ती तक नहीं थी। सेटलमेंट अधिकारी के समक्ष आया था। सेटलमेंट अधिकारी ने इस मामले को 2 बार खारिज भी किया, बाद में वित्त आयुक्त ने भी इसे खारिज किया। वनिता शर्मा ने बताया कि वर्ष 2017 में एकाएक सेटलमेंट अधिकारी ने योगेंद्र चंद्र दिग्विजय सिंह के नाम घासनी बताकर दी गई है, जबकि ना तो यह इनके नाम थी और ना ही किसी प्रकार का इनका इस पर कोई कब्जा था। वनिता शर्मा ने बताया कि उन्होंने इस मामले के पूरे दस्तावेजों सहित प्रदेश के समक्ष रखे 1 वर्ष से अधिक हो गया है, पर जांच के नाम पर पूरी फाइल ही कहीं ठंडे बस्ते में पड़ी है। उन्होंने कहा कि अब वह इस पूरे मसले को उच्च न्यायालय के समक्ष रखने जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया है कि यह सब राजनीतिक प्रभाव के चलते दबाया जा रहा है। इसमें प्रभावशाली लोगों से मिली जुली भगत से भी इनकार नहीं किया जा सकता। उनका कहना है कि पहले जो 2 बार सेटलमेंट खारिज हो चुका है तो बाद में फिर सेटलमेंट अधिकारी द्वारा पारित किया जाना किसी बड़े संदेह को पैदा करता है, इसलिए इस पूरे मसले की जल्द जांच की मांग वह प्रेस के माध्यम से वह कर रही है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो वह प्रदेश उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने से भी पीछे नहीं हटेगी। जी नाम बताए, क्या है पूरा मामला? तो मेरा नाम वनिता वर्मा है, मैं एक्स प्रधान धर्मपुर मतदान से हूँ। ये मेरे पल्ली के साथ लगता है शालीवीर जंगल 84 बीघा फॉरेस्ट लैंड जो किसी निजी व्यक्ति के नाम कर दी गई है। ये मुझे नहीं पता ये पॉलिटिकल दबाव में किस तरह से की है, जबकि ये लैंड बिग लैंड सीलिंग एक्ट में वेस्ट लैंड है, इसमें हमारे एरिया के हक है घास पत्ती टिड्डियाँ जो पहले हमें मिलती आई है। पर ये पॉलिटिकली दबाव में कैसे सरकार ने ये दिग्विजय सिंह के नाम 84 बीघा 18 विश्वा ये पूरा टोटल जंगल है इसके कुरेक्शन, और झूठा मामला ये दर्ज किया गया कि इसकी घासनी की कुरेक्शन होनी चाहिए, जबकि ये 1929-30 से लेकर DPFD शालीटीर का भाग है। अभी क्या चाह रहे हैं आप, अभी क्या क्या एक्शन लिया है आपने? मैंने मुख्यमंत्री जयराम जी को भी एक प्रेजेंटेशन दी है, फॉरेस्ट मिनिस्टर जी को भी प्रेजेंटेशन दी है, मैंने पूरे विभाग सेक्रेटरी फॉरेस्ट रेवेन्यू सबको दी है, पर लेकिन कार्रवाई जिस तरह से होनी चाहिए थी इस पर उस तरह से नहीं हुई है। ये फाइल पॉलिटिकली दबाव से दबाई जा रही है। आगामी क्या करने जा रहे हैं अभी आप? ये अगर इसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई तो मैं हाईकोर्ट में PL दाखिल करूँ। लाइफ टाइम्स टीवी ठियोग ब्यूरो। लाइव टाइम्स टीवी के फेसबुक पेज को लाइक करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।